इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वाटर रिसोर्सेज में हम इंडिया और भूटान के बीच वाटर सेक्टर कोऑपरेशन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के वाया टॉपिक यहाँ पर फिनिश किया था कि इंडिया और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही हारमोनियस रिलेशंस रहे हैं। भूटान की इकोनॉमी की बैकबोन है हाइड्रो पावर सेक्टर, चाहे उनकी GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे उनके एक्सपोर्ट शेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे उनकी कंपनी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, टैक्स पे करती है वहाँ की सरकार को, जो कि हाइड्रो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात हो, एक बड़ी भूमिका हाइड्रो पावर सेक्टर निभाता है। आप कह सकते हैं कि एक डोमिनेटिंग भूमिका निभाता है, और उस हाइड्रो पावर सेक्टर में डोमिनेटिंग रोल इंडिया निभाता है। तो भूटान की इकोनॉमी में हाइड्रो पावर सेक्टर का रोल और उस हाइड्रो पावर सेक्टर में इंडिया का रोल हमने पिछले लेक्चर के बाद अच्छे से समझ लिया था। हमने देखा था कि इंडिया और भूटान का रिलेशन 1949 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के द्वारा गाइडेड है, जिस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में ये मेंशन है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल पीस का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन वहीं उस ट्रीटी का आर्टिकल 2 इस पर बात करता है कि भूटान की फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स गाइडेड रहेंगे इंडिया के द्वारा, इंडिया उसको गाइड करेगा। ऐसे में भारत का स्टैंड हमेशा से यही रहा था कि चीन या दुनिया का कोई भी और मुल्क यदि किसी तरह से भी भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हार्म करता है तो वो एक तरह से भारत पर आक्रमण की बात होगी और भारत भूटान की सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। यानी कि एक तरह से भूटान प्रोटेक्टेड स्टेट के रूप में एग्जिस्ट किया, मैंने प्रोटेक्टरेट नहीं कहा, प्रोटेक्टेड कहा। भूटान हमेशा आज़ाद था अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली लीड करने के लिए, बस क्लॉज इतना था कि वो भारत के द्वारा गाइडेड होगी। इतनी बात क्लियर। हम भूटान और भारत के रिश्तों के कई और आयामों को भी समझते हुए आज इस कंक्लूजन की तरफ चलेंगे कि संबंध बदले कैसे समय के साथ साथ। इंडिया और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर सेक्टर के कोऑपरेशन, जो कि बहुत ही विन विन कंडीशन पर खड़ा था, दोनों मुल्कों को लाभ हो रहा था, पिछले दशक के दौरान 2010 से लेकर के 2020 के बीच में उसमें कहाँ बदलाव आए। आज समस्या पैदा हो रही हैं कई फ्रंट पर, हमें उसे टाइमली डील करना है। लगातार इन चीज़ों पर बातें भी चल रही हैं, हम उसी पर बात करेंगे, आपको और गहराई से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो इंडिया भूटान वाटर सेक्टर कोऑपरेशन, हमने इन कंसर्न्स पर क्लोज़ किया था टॉपिक को। कंसर्न नंबर 1 था इंटरनल वाटर एक्सेसिबिलिटी। भूटान के लोगों में ये अप्रिहेंशंस हैं कि जिस तरह से हमने वाटर ट्रीटीज़ कंक्लूड की हैं भारत के साथ, उसके तहत तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें वाटर स्टोरेज की परमिशन नहीं है। लेकिन भविष्य में जाकर के अगर हमें अपना हमारे मुल्क के लिए पानी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम वाटर स्टोरेज के लिए निर्भर कर जाएंगे कि हमें भारत के साथ जाकर के उसकी अनुमति की ज़रूरत होगी, हमें ट्रीटी की शर्तों को रिवाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा। ये एक तरह से भूटान के इंटरनल अफेयर्स में भारत का दखल हो जाएगा कल को। तो इस तरह से हम जो तेज़ी से रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाते जा रहे हैं जिनमें स्टोरेज की अनुमति नहीं रहती, ये आने वाले समय में भूटान का पानी भूटान ही के लोग एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए एक समस्या पैदा कर सकता है, ये उन लोगों को समस्या थी। हमने दूसरा कंसर्न किया था पावर टैरिफ्स। हमने देखा था कि भारत ने पावर टैरिफ्स रिवाइज़ किए हैं, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को रिवाइज़ किया गया, जिसके तहत भूटान को वो पावर टैरिफ्स अगर पे करने पड़ते हैं, वो बिजली जो भूटान से भारत खरीदेगा उसके लिए, तो फिर भूटान को पर यूनिट जो आमदनी होती है वो उसके खर्चे के बराबर बराबर जा करके खड़ी हो जाती है, जिससे फिर ये धंधा उसके लिए लाभदायक नहीं रहता है, ये नुकसानदायक हो जाता है। इसके लिए भूटान का दबाव है कि भारत अपने इन टैरिफ्स को रिवाइज़ करे और उसके मुताबिक जो बदलाव लाने हैं वो बदलाव लाए। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हमने देखा कि सिक्किम में जब तीस्ता 3 डैम इस बार रिसेंटली ग्लेशियर लेक का जब आउटबर्स्ट हुआ तो उस फ्लड में वाश ऑफ हो गया पूरी तरह से, जबकि हमने ये देखा था कि उसी तीस्ता 3 के नीचे लोअर कोर्स में जब तीस्ता 4 प्रोजेक्ट लगाना था उसको लेकर के जब 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने ऑब्जेक्शंस आईं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का खतरा बना रहता है इस इलाके में, तब NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में ये कस्टडी दी थी लिख करके कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन फाइनली अभी रिसेंटली जब तीस्ता 4 प्रोजेक्ट के ऊपर तीस्ता 3 प्रोजेक्ट पूरी तरह से वॉश ऑफ हो गया है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड में, तो दोबारा से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने NHPC से जवाब मांगा है कि आपने तो लिखित में ये हमें गारंटी दी थी कि ऐसे कोई खतरे यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा खतरा हुआ है।
ऐसे में एनवायरमेंटलिस्टों ने अप्रीहेंशंस जताई हैं कि आने वाले समय में ऐसे खतरे उन सभी प्रोजेक्ट्स पर हैं जो प्रोजेक्ट्स भारत भूटान में लगा रहा है, जैसे कि पुनात शांगचू 1 प्रोजेक्ट, पुनात शांगचू 2 प्रोजेक्ट, खोलोंगचू प्रोजेक्ट। ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल करके लेक्स बन रहे हैं और वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी उस एरिया की जब एक्सीड हो जाती है तो वो ग्लेशियर लेक्स आउटबस्ट कर जाती हैं, जिससे फ्लैश फ्लड्स आते हैं और जिन डैम्स और रिजर्वायर्स के पीछे पानी खड़ा है या जहाँ पर नदियों को रोका गया है वो नदियों के बहाव के द्वारा बहा करके ले जाए जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो एक आपत्ति ये भी जताई जा रही है कि क्या ये भारत को नुकसान नहीं करेगा, क्या बड़े पैमाने पर अगर इस तरह से ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुई तो प्रोजेक्ट वॉश ऑफ होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, भारत के लगाए पैसे वेस्ट होंगे, वहाँ से आने वाली इतने बड़े पैमाने पर मिट्टी खेतीबाड़ी की ज़मीन को नुकसान करेगी और वैसे भी ये इलाका फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है जियोलॉजिकली, सिस्मिक एक्टिविटीज़ अगर देखी जाए तो ये वैसे भी इन्वायरमेंटली फिजिबल प्रोजेक्ट्स नहीं है ऐसा इन्वायरमेंटल मानते हैं। तो ये भी हमने एक देखा था पॉइंट कि ये भी कंसर्न था। फिर रिस्क ऑफ द जॉइंट वेंचर मॉडल, जॉइंट वेंचर मॉडल के रिस्क हैं, रिस्क ये हैं कि जॉइंट वेंचर के तहत हमने देखा था कि जो पहला प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के तहत लगने वाला है वो खोलोंगचू प्रोजेक्ट है, जिसके लिए 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भूटान में विज़िट की थी और उस विज़िट के दौरान उन्होंने नींव पत्थर रखा था, फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया था खोलोंगचू प्रोजेक्ट का, और उस खोलोंगचू प्रोजेक्ट को लेकर के फाइनली ये डिसाइड किया गया कि दोनों मुल्कों की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एक साथ आएंगी, जैसे भारत की तरफ से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड आएगा और भूटान की तरफ से ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन आएगा जो वहाँ की कंपनी है, और ये एक जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे जिसके तहत खोलोंगचू प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिस प्रोजेक्ट के तहत ही 2020 में भूटान और इस जॉइंट वेंचर कंपनी के बीच में कंसेशन अग्रीमेंट साइन हुआ और 5 वर्ष के भीतर इसे ख़त्म करना है, 2025 तक खोलोंगचू प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर देना है। लेकिन जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत ये तय नहीं हो पा रहा है कि दोनों मुल्कों की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज वहाँ पर मिलकर के काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जिम्मेवारियाँ कौन लेगा, कैपिटल पूंजी निर्माण पूंजी डेवलपमेंट से जुड़ी जिम्मेवारियाँ कौन लेगा। इस तरह से जब दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर के क्लैरिटीज़ नहीं है, दोनों में डिस्प्यूट बना हुआ है, इसके कारण से खोलोंगचू प्रोजेक्ट डिले होता गया। ऐसा माना जाता है कि खोलोंगचू प्रोजेक्ट को 2020 तक वर्किंग हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। इस डिले के कारण भारी नुकसान हो रहा है भूटान की अर्थव्यवस्था को। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जा रहा है कि भूटान तेज़ी से डेट ट्रैप में डूबता चला जा रहा है। क्यों? उसकी आमदनी का, उसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू का जो मेन स्रोत है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अनड्यूली डिले हो रहे हैं। इसकी वजह से जो लाभ उन्हें कमाना है वो कमा नहीं रहे, लेकिन जिन खर्चों पर वो खड़े करने थे उन खर्चों से, उन कीमतों से वो 3-3 गुना आगे चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये बोझ एक तरह से भूटान पर ही आ रहा है। किसी भी समय में उसे वो कर्जा तो वापस करना ही है। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर मॉडल्स के तहत प्रोजेक्ट का अपनी तय सीमा के तहत पूरा ना होना, डिले हो जाना, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न था। हम इन सारी चीज़ों को एक गाइडिंग लाइट के तहत लेकर के चलेंगे जिसमें हम अपना एनालिसिस आगे कंक्लूड करेंगे। भारत भूटान के संबंधों को आप और गहराई से समझ करके इस हाइड्रो पावर सेक्टर में कॉपरेशन के महत्व को समझें, इसके लिए मैंने कुछ फैक्ट और लिखे हैं, वो आपको समझने ज़रूरी हैं, आप उनके बारे में समझिए। देखिए, भूटान 2008 में पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर चुका था। भूटान 2008 से ही पार्लियामेंट्री मोनार्की के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। भूटान में 2008 से ही डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये बात सही है कि वहाँ पर किंग हैं और उनके 5वें किंग 2023 में भारत आए, जिनका नाम है जिगमे खेसर नामग्याल वांगचू। आप जानते होंगे, मैं इनकी फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन भूटान में भी भारत की तरह प्रधानमंत्री होते हैं, भूटान में भी भारत की तरह पार्लियामेंट होती है। भूटान में भी 2008 से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है और इस सिस्टम को पार्लियामेंट्री मोनार्की कहा जाता है। वहाँ पार्लियामेंट भी है, वहाँ मोनार्की भी है। भारत में रिपब्लिक पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट्री मोनार्की एग्जिस्ट करती है। अब इस सिस्टम के तहत हम इन चीज़ों को आगे समझेंगे। देखिए, भूटान किंग जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक विजिटेड इंडिया ऑन 2023। वो भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिले और कई मुद्दों पर उन्होंने आपसी बातचीत की। इन मुद्दों में बड़ी बात यही थी कि जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई हैं हाइड्रो पावर सेक्टर के विकास में, जो बातें रुकावट पैदा कर रही हैं, उन्हें कैसे दूर किए करें, कैसे हम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में दोनों मुल्क मिलकर के एक अहम भूमिका निभाए, कैसे हम बिम्स्टेक को और मजबूत करें जिसका हिस्सा है भूटान भी, कैसे हम बांग्लादेश को भी साथ लेकर के आएँ और उनकी भी ज़रूरतों को समझें,
कैसे हम भारत और भूटान के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाएं, कनेक्टिविटी को बेहतर करें, सिक्योरिटी को बेहतर करें, सेफ्टी को बेहतर करें, और कैसे हम दोनों मुल्क मिलकर के क्लाइमेट चेंज से निपटें। ये सारे विषयों पर आपसी बातचीत हुई, समझौते भी हुए, लेकिन आज हम दोनों मुल्कों के बीच के बायलेटरल रिलेशंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके विषय में जो जो ज़रूरी है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, तो वो भारत आए और क्या हुआ। भूटान किंग जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक विजिटेड इंडिया ऑन 2023 एंड दिस विजिट इज़ सिग्निफिकेंट एमिड ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर चाइनाज एफर्ट्स टू फॉर्ज अ बॉन्ड विद थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। ये विजिट इस बार की उनकी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी, क्योंकि चाइना तेज़ी से प्रयास कर रहा है कि भूटान में जो व्यापारी वर्ग चाइना को सपोर्ट करता है उन व्यापारिक वर्ग का समर्थन लेकर के भूटान की सरकार पर दबाव बनाए जाएँ और प्रो चाइनीज़ पॉलिसीज़ वहाँ पर पास करवाई जाए और चाइना का दखल भूटान में बढ़े। अब तक भूटान और भारत के संबंध बहुत फेवरेबल रहे हैं आपस में, लेकिन भारत के लिए एक चिंता का विषय है, अगर इन दोनों मुल्कों के संबंधों में थोड़ी भी परेशानियां आईं तो ये फिर एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि चीन का दखल उस मुल्क में बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को आर्थिक विकास चाहिए, वहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए, वो इसके लिए पीछे नहीं रह सकते। ऐसे में जो मुल्क उनकी बेहतर मदद कर पाएगा उनको मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ेगा। ऐसे में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियाँ भूटान में एंट्री लेने की भारत के लिए चिंता का विषय है, और इस समय में भूटान के राजा का भारत आना भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। ये महत्व की कहानी बहुत पुरानी है। अगर हम हिस्टोरिकली ट्रेस करें तो भारत और भूटान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो 1968 में शुरू हुए। 1968 में ही भारत का थिम्पू में ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ, दैट ऑफिस ऑफ पीस। उसके पहले इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गाइड करने के लिए जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आई वो 1949 की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो मैं बता चुका हूँ। उस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में 2007 में एक बदलाव किया गया। 2007 के उस बदलाव से ये तय हुआ, रिवीजन हुई उस ट्रीटी में, और ये हुआ कि भूटान अब अपने आर्म्स इम्पोर्ट कर सकता है किसी भी मुल्क से, उसके लिए उसे इंडिया से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं, जो कि पहले लेनी पड़ती थी। भूटान को अगर कहीं से भी अपने आर्म्स इम्पोर्ट करने पड़ते थे उसे भारत से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लेकिन अब लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भूटान दूसरे मुल्कों के साथ संबंध बनाने के लिए आज़ाद है, वो अब भारत की किसी भी तरह से कोई उसमें परामर्श, सलाह या ऐसी चीज़ों के लिए बाउंड नहीं है, वो आज़ाद है। लेकिन भूटान अपनी भूमि को, अपनी टेरिटरी को किसी भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं होने देगा। ये सब सारी चीज़ों को मिला करके 1949 की ट्रीटी में 2007 में रिवीजन किया गया। इतनी बात क्लियर। मैं इतनी चीज़ें पहले आपको पढ़ा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। भूटान किंग जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक विजिटेड इंडिया ऑन 2023 एंड दिस इज सिग्निफिकेंट एमिड ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर चाइनाज एफर्ट्स टू फॉर्ज अ बॉन्ड विद थिम्पू। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन भूटान एंड इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड इन 1968 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिस ऑफ इंडिया इन थिम्पू। रिलेशनशिप इज गाइडेड बाय ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949, दिस ट्रीटी रिवाइज इन 2007। क्या रिवीजन हुई? भूटान नो लॉन्गर रिक्वायर इंडियाज अप्रूवल ओवर इम्पोर्टिंग आर्म्स। इंडिया सपोर्ट्स भूटान्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी। भारत धीरे धीरे भूटान की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी की तरफ हो रही इस प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है। भूटान, भारत जानता है कि भूटान के लोग जब तक भारत के साथ हैं, वो भारत की नीतियों से खुश हैं, तब तक भूटान के लोगों का अपने राजा को और अपनी पार्लियामेंट और अपनी सरकार को समर्थन है, तभी तक भारत और भूटान के रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रह सकते हैं। अगर भारत भूटानी लोगों की एस्पिरेशन के अगेंस्ट जाएगा, वो अपने लिए सॉवरेनिटी चाहते हैं और ज़्यादा आत्मनिर्भरता चाहते हैं, ऑटोनॉमस मैनर में अपने काम करना चाहते हैं, ऐसे में भारत कोई भी रोड़े अगर फंसाएगा, वहाँ के लोगों के मन में भी नेपाल की तरह भारत के प्रति एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगी। ऐसे में वो अपने राजा और अपनी सरकार के कामों पर संदेह करेंगे कि शायद राजा और सरकार भारत के आगे झुक करके कोई काम कर रही है। ऐसे में वो किसी भी तरह के जॉइंट वेंचर या जॉइंट प्रोजेक्ट्स के मार्ग में अवरुद्ध पैदा करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेंगे। ये भारत और भूटान दोनों के ही हितों में नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों की इच्छाओं को समझते हुए धीरे धीरे भूटान अपने सॉवरेन स्टेटस की ओर बढ़ना चाहता है। भारत उन कदमों का समर्थन करता है और इसी के तहत 2007 में हुई ट्रीटी की रिवीजन एक महत्वपूर्ण कदम था। ओके, द ट्रीटी रिवाइज्ड इन 2007, भूटान नो लॉन्गर रिक्वायर इंडियाज अप्रूवल ओवर इम्पोर्टिंग द आर्म्स। इंडिया सपोर्ट्स भूटान्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स द सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी। ऑल्सो नाउ देर आर नो लिमिटेशंस ऑफ भूटान विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। अब दूसरे मुल्कों के मामले में भूटान के ऊपर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे चाहे स्वतंत्र रूप से अपने संबंध विकसित कर सकता है। बट भूटान कैन नॉट यूज इट्स टेरिटरी फॉर एक्टिविटी अगेंस्ट इंडियाज सिक्योरिटी थ्रेट। ओके,
इन 2014, अब संबंध कैसे गाढ़े होते हैं वो आपको यहाँ से समझना है। पहले तो 1949 की ट्रीटी है, फिर हमने देखा जल ढाका प्रोजेक्ट था, हमने सारी चीज़ें चूखा प्रोजेक्ट था सारी चीज़ों को समझा, और उसी कड़ी में हमने देखा कि 2007 में हमने उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए इस ट्रीटी को रिवाइज़ भी किया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनकी पहली फॉरेन स्टेट विज़िट भूटान में ही थी, ये भी एक बड़ी बात है। इन 2014 पीएम मोदी चूज़ भूटान एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन, और उसी दौरान उन्होंने खोलोंगचू प्रोजेक्ट की नींव पत्थर भी रखा था, हमने इस पर बात की है। ओके, सो ये एक चीज़ है जो आपको गहराई बताती है कि भारत और भूटान के संबंधों में जो सौहार्द है वो महत्वपूर्ण सौहार्द है, और उसके लिए जो कदम उठाए जाने हैं दोनों मुल्कों ने समय समय पर उठाए। अगला एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 1974 तक भूटान में इंडियन रुपीज़ चलता था, यानी कि भूटान की करेंसी भारतीय करेंसी ही थी। 1974 के बाद भूटान ने अपनी करेंसी डेवलप कर ली और उसका नाम है NGULTRUM, दैट इज़ एनगल ट्रम भूटान की करेंसी है, और ये इंडियन करेंसी के साथ पैक्ड है, इंडियन करेंसी के साथ टाइड है, यानी कि एक एनगल्ट्रम एक इंडियन रुपी होता है, एक एनगल्ट्रम एक इंडियन रुपी होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो बताता है कि भारत भूटान कितनी मजबूती से आर्थिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्यों ना जुड़े हों। अगर ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर देखें तो भारत 93.4% के अराउंड, ऑलमोस्ट 90% के अबव शेयर होल्ड करता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेट पार्टनर है भूटान का। अगर डेवलपमेंट के मामले में बात करें, इन्वेस्टमेंट के मामले में बात करें, तो लार्जेस्ट पार्टनर है भारत भूटान का। हर मामले में भारत एक लार्जेस्ट पोजीशन पर खड़ा है, ऐसे में उनकी करेंसी का भारत की करेंसी के साथ पैक्ड होना व्यवहारिक सी बात है, लाजमी सी बात है। ओके, सो भूटानीज करेंसी इज़ एनगल्ट्रम, NU, इसका शॉर्ट NU है, एंड इज़ ऑफिशियली पैक्ड टू द इंडियन रुपी। ओके, दूसरा कदम आप देख सकते हैं कि जो भारत का बजट आता है उसमें 2023-24 के बजट में भारत ने जो हाईएस्ट एलोकेशन दिया दूसरे मुल्कों के लिए, उनमें से 2400 करोड़ रुपया भूटान के लिए ही ईयरमार्क किया गया था। इट वाज द हाईएस्ट एलोकेशन टू एनी अदर कंट्री। सो भूटानीज करेंसी इज एनगल्ट्रम एंड इट इज ऑफिशियली पैक्ड टू द इंडियन रुपी। इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2023-24 द हाईएस्ट एलोकेशन वाज फॉर भूटान एट ₹2400 करोड़। इन सारी चीज़ों से ये दिखता है कि भारत और भूटान के संबंध हर मायने में बहुत मजबूत रहे हैं। इंडिया एंड भूटान शेयर्ड प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव कलेबोरेशन इन हाइड्रो पावर सेक्टर, बट इन द रीसेंट टाइम्स द रिलेशनशिप सफर्ड फ्रॉम मैनी रीजन्स। अब हम उन रीजन्स को टटोलें जिसमें ये सारी बातें यूटिलाइज होंगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न हैज़ बीन द डिले इन कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उनकी कम्प्लीशन नहीं हो पा रही है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न हैज़ बीन द डिले इन कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आर वे बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड। जो समय सीमा तय की गई थी ऑलरेडी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए, एंड ऑल्सो डूइंग अनवारंटेबल कॉस्ट एस्केलेशंस। इसी के कारण बहुत ही गैर ज़रूरी ढंग से जो कीमतें हैं वो उन प्रोजेक्ट्स की बढ़ती चली जा रही है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, क्या किसने बताया है? नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान ने। तो नेशनल काउंसिल ऑफ भूटान लगातार इस मुद्दे को उजागर करती आ रही है कि प्रोजेक्ट्स अनड्यूली डिले हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत भारी खर्चा पड़ रहा है जो कि पड़ना नहीं चाहिए। रीसेंट इंस्टांस किन दो प्रोजेक्ट्स को लेकर के है? रीसेंट मसला इन दो प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। पहला है पुनात शांगचू 1 को लेकर एंड खोलोंगचू प्रोजेक्ट को लेकर के। पुनात शांगचू 1 वाज सपोज टू बी कम्प्लीटेड विद इन 2016, इसे 2016 तक कम्प्लीट हो जाना था, लेकिन ये कम्प्लीट नहीं हुआ, और हम ये कह रहे हैं कि ये 2022-23 तक कम्प्लीट होगा। पुनात शांगचू 2 2024-25 तक होगा, हमने कल के लेक्चर में ये बात कही थी, लेकिन आइडियली इसे 2016 तक कम्प्लीट हो जाना था ऐसा कहा जाता है। और इसकी शुरुआती कॉस्ट जो इवेलुएट की गई थी वो 35.148 बिलियन एनगल्ट्रम था, लेकिन इसकी कॉस्ट जो पहुंच रही है वो अब 93.756 बिलियन एनगल्ट्रम है, यानी कि 35 बिलियन एनगल्ट्रम से 93 बिलियन एनगल्ट्रम तक जा रहा है ये प्रोजेक्ट। बहुत भारी कर्जा, बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है भूटान को। दूसरी तरफ है खोलोंगचू। खोलोंगचू वाज शेड्यूल्ड टू बी फंक्शनल विद इन 2020, इसे 2020 तक पूरा हो जाना था, फंक्शनल हो जाना था। 2014 में इसका फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन कर दिया था, लेकिन